मैं गरीब सच टेक तू मेरे सतगुर पूरे देख तुम्हारा दर्शनों मेरा मन तीरे सुख पाया करो कृपा रहम तेरी सुख पाया सदा सुख पाया। मेरे मालक ने बहुत बड़ा रहम किया है दया की थी कि सानू अपनी गोद में बिठाया। दुनिया का धन दौलत जोड़न वाले इस गल का माण करते हैं कि मैं दुनिया में बड़ा कुछ कमाया है, पर गुरु अमरदास साहब जी महाराज कहते हैं गुरसिखा ये तो तेरे शरीर नाल जुड़े हुए सुख ने, ये रसना तू अन रस राज रही तेरी प्यास मैदा। आत्मा का असली सुख है जो आप जी बना रहे। भाई साहब जी ने सारी जिंदगी कीर्तन गाया कीर्तन किया, रील और रियल लाइफ में उन्होंने अपने जीवन को भी महान बनाया। केवल दे केवल नाम दे साधु नहीं जीवन दे भी साधु बन गए, जीवन महान बन गया है। ये किस दी कृपा? धन गुरु ग्रंथ साहब जी की गुरु नानक पातशाह जी की बख्शिश है। आओ आप भी शुकराना करिए, साड़ी झोली मालक ने बेअंत सुख पाए। जिस कंट्री नूं वेखण वास्ते, जिस अमेरिका इंग्लैंड नूं वेखण वास्ते लोकी अपनियां जमीनां दां ते ला दिंदे, अपना सारा कुछ वेच के वो देश वेखण नूं तरसदे ने, पर साडे ते गुरु के कीर्तनियां ते गुरु नानक पातशाह जी ने ऐसी बख्शिश कीती, ऐसा वाजा साडे हाथ विच खड़ाया कि इस वाजे ने इस कीर्तन ने दुनिया का हर कोना सानूं दिखाया। हर उस कीर्तनीय नूं गुरु तो कुर्बान जाना चाहिदा जिसने सहज सुभाए साडे जीवन विच खुशियां, साडे जीवन विच हरियावली रहमतां नाल सानूं निवाजिया। ऐसी बख्शिश कहिंदे मिलदी उन्हां नूं है जिन्हां ते गुरु नानक दी निगाह पै जाए। कीर्तन करना कोई खेड नहीं, बहुत सुरीला कोई गायक बन सकता है, बहुत वड्डा कोई गवैया बन सकता है, पर याद रखियो कीर्तन ऐसी बख्शिश है। कीर्तन नाल बैराग पैदा हुंदा है ते बैराग नाल उस मालक नाल गल्लां हुंदियां। गाउण वाले तां बहुत मर्दाने कोल गायकी कमाल दी, पर गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने मर्दाने आ जे अपनी गायकी नाल तूं शब्द गाए बाणी मिला दवे मैं तेरा लोक ही नहीं पर लोक दे सुख भी तेरी झोली पा दे। गुरु नानक साहब जी का विआह होया मर्दाना खुशियां दे गीत गाउंदा है, जदों ये आवाज कन्नां विच पई महाराज कहन लगे तेरी आवाज विच जादू है, कुछ मंगना है ता मंग ले, पर अंदरों निर्मल है चुस्त चलाकियां नहीं। हाथ जोड़ के कहन लगा बाबा मेरा रोज मंगण दा ही काम, कदे किसे घर कदे किसे घर, ये मेरी रोजी रोटी है, मेरा परिवार मेरे बच्चे इस रोजी रोटी नाल चलते हैं। गुरु नानक पातशाह कहन लगे जा फिर तैनू अज तो बाद घर घर नहीं मंगना पड़ेगा, इको बारी मंग लै की मंगना। झोली फैला ली झोली अड़ के कहन लगा सतगुरु पातशाह तुसी राजिया दे राजे हो, इस जीवन ने इस जिंदगी ने मंगया ते सारी जिंदगी है घर घर मंगया है, पर मैं सुनया है तुसी दीन दुनी दे मालक हो, राजिया दे राजे हो, महाराजिया दे महाराजे हो, किते ऐसा ना होवे मेरी सोच बड़ी छोटी है, तुसी कोई वड्डा धन देना होवे ते मैं कोई छोटा मंग लो। महाराज कहने लगे तू तो सियाणा भी बड़ा लगता है,
ਮਰਦਾਨਿਆ ਜੋ ਮੰਗੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਨੀਵੀ ਪਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਫਲਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਿਆ, ਅੱਜ ਜੇ ਤੁੱਠੇ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਣੀਏ ਸਭ ਰਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ
वाहे गुरु जी वाहे।
कहते हैं गुरु ने सानू सारिया नू रागी बनाया है, सब नू गुरबाणी गायन अते सुनन दा बल दिता है। इसे मंतव नाल मनमोहन सिंह पोपली लाइव टेरा टेरा ने गुरबाणी कीर्तन नू सिद्धा लखनऊ तो शुरू करके आज देशां विदेशां तक यूट्यूब दे जरिए पहुंचा के एक मुकाम हासिल किया है। गुरु इन्हां दी गुरबाणी प्रचार प्रसार नूं बल बख्शे ते सेवा करदियां गुरु दियां खुशियां प्राप्त करदे रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।